हेलो दोस्तों, आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो देखो, आज हम वही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पहले हम बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है किस, मतलब कि कौन से कोर्स में आता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप देखोगे तो कि बीकॉम में थर्ड सेम में पूछता है और बैफ में फोर्थ सेम को पूछता है, ठीक है। अभी तक आपको देखो बीकॉम का पेपर तो हो चुका होगा थर्ड सेम का, अभी आपका चल रहा है फोर्थ बैफ के लिए। तो बैफ के लिए इंपॉर्टेंट है, अदर देन किसको केटी लगी है तो उसके लिए वीडियो हेल्पफुल है, ठीक है, हेल्पफुल है। चलो देखते हैं हम लोग, और हमें बताना कि आपको कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़ा कंटेंट के बात पूछ रहे थे कि देखो कौन सा कंटेंट है, कितना चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर में, ठीक है। देखो फर्स्ट चैप्टर आपका आता है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सेकेंड चैप्टर आता है आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, थर्ड आता है रेशो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, फोर्थ आता है कैश फ्लो एनालिसिस एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। आपका पांच चैप्टर आता है, ठीक है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि बीकॉम का पेपर 100 मार्क का होता है और बैफ का 75 मार्क का होता है, तो बता दूंगा कि कौन कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क का होता है, वो भी बता देता हूँ मैं साथ में आपको, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपको जो है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ना है, शॉर्ट नोट के लिए पढ़ना है, क्योंकि इसमें एक भी प्रैक्टिकल सम नहीं है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में प्रैक्टिकल सम है, और आपको इसमें से कभी कभी शॉर्ट नोट पूछ लेता है, तो शॉर्ट नोट आपको 15 मार्क का आता है, कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलो सेकेंड चैप्टर आता है कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये चैप्टर आपको प्रैक्टिकल के लिए 30 मार्क का आएगा। इसमें देखो 30 मार्क के लिए इसमें पाँच चीज़ है, पाँच चीज़ क्या क्या है वो तो बता देता हूँ मैं। वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेड एनालिसिस, कंपेरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसमें पांच टॉपिक है। देखो सेकेंड चैप्टर में पांच टॉपिक है, ये जो पांच टॉपिक है इसमें से आपको कम से कम 30 मार्क के लिए सम आएगा। आपको दिखा देता हूँ मैं, देखो आपको पेपर पैटर्न भी दिखा देता हूँ, मेरे पास पेपर पैटर्न में बुक के पीछे मेरे पास पेपर पैटर्न है, आपको पेपर पैटर्न दिखा देता हूँ, ठीक है, 30 मार्क के लिए आपको प्रूफ कर देता हूँ मैं आपको। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास मनन प्रकाशन बुक है, मनन प्रकाशन बुक है, ठीक है। मनन प्रकाशन में आपको मैं पेपर पैटर्न दिखा देता हूँ, देखो यूनिवर्सिटी पेपर सॉल्यूशन दिया है, देखो यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे देखो यूनिवर्सिटी पेपर सॉल्यूशन में देखेंगे तो आपको देखो यहाँ पे अप्रैल 2018 में देखो क्वेश्चन नंबर 2 के ए में, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड टू यू बाय रेमल लिमिटेड प्रिपेयर द कॉमन साइज। देखो मैं आपको क्या बोला कि सेकेंड जो चैप्टर आपका है उसे पांच टॉपिक आता है, कवर होता है, तो पांच टॉपिक में से आपको 30 मार्क आता है। देखो यहाँ पे 15 मार्क आपका कवर हो गया, ठीक है। अभी बताता हूँ जो आपका रिमेनिंग 15 मार्क्स बाकी, ठीक है। देखो 15 मार्क अभी आया था, यहाँ पे आया था, देखो हाँ यहाँ पे देखो पूछा है, ठीक है, हाँ देखो ट्रेड परसेंटेज आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के बी में पूछा है, तो देख घुमा फिरा के बताया कि 30 मार्क का आपको फर्स्ट जो सेकंड चैप्टर है आपको 30 मार्क का कवर होता है, ठीक है। देखो अभी आगे बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। और भी है क्या, अरे बाप रे, देखो ये कंपेरेटिव भी आया था, देखो आपको मतलब ऑप्शन में है ऐसे बोला कि आपको 30 मार्क के लिए आपको आता है, देखो यहाँ पे आपका कवर हो रहा है 30 मार्क का, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर में आपको है 30 मार्क का आएगा, तो 30 मार्क के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। तो इसके आपको कंटेंट पहुँच जाते हैं हम लोग 16 पेज नंबर पे। तो 16 पेज नंबर आप जब ओपन करोगे देखो पांच टॉपिक कौन सा है, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपेरेटिव, ट्रेड एनालिसिस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये आपको पांच टॉपिक करना है 30 मार्क के लिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड चैप्टर आपका कवर हो गया। थर्ड आता है रेशो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये आपको आता है 15 मार्क के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको बस बेसिकली आपको फॉर्मूले याद करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले पे बेस पे आप सम कर सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूले पे देना ध्यान देना, ठीक है। देखो ये भी जो चैप्टर है 15 मार्क के आता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ पेपर पैटर्न के साथ साथ दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको इससे भी आपका क्लियर कर दो, डाउट जो आपको क्लियर हो जाएगा वो भी डाउट होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बी में ऑप्शन में आता है, देखो आपको आइदर ये करना है तो ये भी कर सकते हो, ये भी करना है, ये भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा कि प्रिपेयर द वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट ऑफ रोवन लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है। देखिए ये आपका यहाँ पे थर्ड चैप्टर में से 15 मार्क का पूछे थे। इसके ऑप्शन में क्या बोला है, इसके ऑप्शन में भी वो उसका बोला है कि ठीक है चलो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये फोर्थ चैप्टर का था, ठीक है। तो बताने का मकसद कि थर्ड चैप्टर में से आपको 15 मार्क का पूछ लेते हैं, ठीक है। फोर्थ चैप्टर में से आता है कैश फ्लो एनालिसिस। अभी देखो कैश फ्लो एनालिसिस कैसा बताओ क्या, यहाँ पे आपको 15 मार्क का आता है, बट कैसा ना मेरे हिसाब से मैं आप इसको स्किप कर सकते हो। आप चार चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, मतलब पांच में से आप चार चैप्टर पढ़ रहे हो ना, कैश फ्लो एनालिसिस आप स्किप कर सकते हो। क्यों स्किप कर सकते हो बताओ क्या, कैसे कि आपका ऑल द पूरा 75 मार्क्स आपका कवर होता है और बीकॉम के तो 100 मार्क कवर होता है, ठीक है। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ पे कैसा होता है कि ना आपको
कि सबका लेजर हर अकाउंट का लेजर बनाना पड़ता है, मतलब बहुत लेंदी सम हो जाता है, ठीक है। तो कैसा कि इजी है, बट कैसा कि बहुत टाइम ले लेता है, ऐसे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि आपको एक भी कन्फ्यूज होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बट यहाँ पे कैसा होता है कि यहाँ पे आपका 100% श्योरिटी का आंसर मिल जाता है, ठीक है। कैश फ्लो एनालिसिस में 15 मार्क का है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, मतलब कि आपको पढ़ने से पढ़ सकते हो बट आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर आता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल कैसा है कि यहाँ पे आपको स्किप नहीं करना, ठीक है। वर्किंग कैपिटल आपको कंपलसरी पढ़ना है, क्योंकि 15 मार्क का आता है, 15 मार्क का आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ पेपर पहले ना आपको, देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैं बोला स्किप कर सकते हो, ठीक है, कैश फ्लो है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 की बी में देखोगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाता है, ठीक है। देखो वर्किंग कैपिटल और बहुत ईजी है, आपका यहाँ पे 15 मार्क कवर हो गया, यहाँ पे वर्किंग मार्क का कवर हो गया, वहाँ पे आपको मैं बोला था कॉमन साइज ट्रेड एनालिसिस को, तो ऑल तो आप देखो क्योंकि आप दो चैप्टर पढ़ लिए तो आपका तीन चैप्टर पढ़ लिए तो आपका हो गया कवर हो गया। तो बताने का मकसद यही है कि आपको इसको ऑप्शन में रख सकते हो और ये आप करोगे तीन चैप्टर। एक थ्योरी है, थ्योरी आप तो अब थ्योरी का तो कंपलसरी नहीं कि कौन सा क्वेश्चन मतलब कैसे आ सकता है, थ्योरी अपने मन से आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ रहेगा कि आप अपने हिसाब से लिख लिया। और थ्योरी भी ज़्यादा लॉन्ग मत लिखना, आपको मिनिमम आपको 1.5 पेज एंड 2 पेज तक आपका जा सकता है, ठीक है। और कुछ देखो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि जो सेकंड चैप्टर है थोड़ा बहुत मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, बाद में कोई वीडियो बना दूंगा, ट्रिक बना दूंगा कि आपको कैसा करना, क्योंकि देखो जो सेकंड चैप्टर आपका है ना वो कैसा होता है कि यहाँ पे ना 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैं आपको इजीली आपको कुछ टिप दे दूंगा, पॉसिबल हुआ तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए आपका एग्ज़ाम भी पास आना है, क्योंकि जो टाइम टेबल अभी डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि जो बैफ का है अभी डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि ड्यू टू इलेक्शन तो अभी इसके जो डेट हो गया पोस्टपोन हो सकता है और मे बी जो नहीं भी हो सकता है, बट जो भी है चलेगा। बट कैसा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, उससे आप दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प मिलेगा और आपको भी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए और शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फ्रेंड्स।